मम्मी को कल फिर से एडमिट किया जा रहा है, कल क्या सिटी केयर हॉस्पिटल में कल कीमोथेरेपी कल से होगी, कल सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट होगी और मैं नहीं बताऊं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कल आप लोग को पता चल जाएगा, बोलना अच्छा नहीं होता। सब लोग तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं, इवन करण, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ, रुबीना को मैंने बार बार बुलाया बट रुबीना का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और मैंने एक न्यूज़ में देखा कि रुबीना ने कहा कि हर तरीके से मैसेज राखी है, राखी को हेल्प करेंगे ये वो। मुझे हेल्प नहीं चाहिए बेबी, रुबीना मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी माँ होश में आने के बाद बार बार आपका ही नाम ले रही है, अली कहाँ है, रूबी कहाँ है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हो सके तुम्हारे बिजी शेड्यूल से एक बार आके मॉम को एक बार वीडियो कॉल या कैसे भी देख लो, मम्मी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना चाहती है, शी लव्स यू। हाँ, क्योंकि मॉम को कल वो कीमो हो रहा है ना, इसीलिए। और आज मैं सोनी भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए जीरो भी नहीं था, सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात, सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे, वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा जिंदगी डिवोर्स पे आ गई थी। भाई साहब वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ, मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया, मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुबीना को क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊँ, शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा ओके, मेरे बाएँ हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का। आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से, क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए, आज दोनों एक हैं। इसलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया, राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक, जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में, तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना, तो मैंने नाड़ा खींच लिया। और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया, एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, नहीं कितना टाइट इलास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं, तो ये सारे ड्रामे क्यों। मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी, तो इतने ड्रामे क्यों, आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी, कौन सी हद, नाड़ा खींचने की कौन सी हद। भाई साहब अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया, ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में, ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना, तब तो मैंने आवाज़ नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ, नहीं, अननेसेसरी। मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला, फॉर वॉट। मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था, मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाज़त थी, वो मुझे चार पांच अब्यूज़ करता जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की, सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द, इट्स नॉट अब्यूज़ लैंग्वेज, इट्स अ आई टीजिंग,
ऐसे वाला। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं क्या? हाँ, तो मैंने आंख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी है यहाँ, नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो?